हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाला आईके वर्सेस एनएनएन टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 9:24 है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो आज रात को 7:30 को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों। इस तीनों अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देकर ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1400 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा दोस्तों लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितने लॉसेस हुआ सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं दोस्तों। मेरा फाइनल टीम के नीचे मैं 3 लिंक प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। एक है माई मास्टर 11, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन 11। तीनों आप कमाल के ऐप है दोस्तों। तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, तीनों में 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। तीनों आप कमाल के ऐप है दोस्तों। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर 11 का लिंक। माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों। इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों माई मास्टर 11। माई मास्टर 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं 100 जगह तुरंत डाउनलोड कर लेना। आप 100% माई मास्टर 11 मनी ईजिली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला दोस्तों कुबेरा। कुबेरा के बारे में बात की तो कुबेरा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों। कुबेरा में अगर आप DUO का टीम में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DUO का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी ईजिली सेंड करेंगे। कुबेरा का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं 100 जगह तुरंत डाउनलोड कर लो। तीसरा वाला दोस्तों विजन 11। विजन 11 के बारे में आप सब लोग जानते हो दोस्तों। विजन 11 100% मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों विजन 11। विजन 11 का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते हैं 100 जगह तुरंत डाउनलोड कर लो। 100% विजन 11 मनी ईजिली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों। मैंने तीनों ऐप में मनी ईजिली सेंड कर रहा हूँ। आपको भी तीनों ऐप में मनी ईजिली सेंड करना, तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा, पी मस्टर्ड को दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, पी मस्टर्ड को 100% पिक करना। पी मस्टर्ड का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो पी मस्टर्ड ने लास्ट मैच में 24 बॉल्स पर 34 रन मारे। सो पी मास्टर ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, पी मास्टर को 100% पिक करना। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किए थे। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया, सो पी मास्टर को। पी मास्टर का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने बैट्समैन में पिक करूँगा सो सुरेश रैना को पिक करूँगा, सो पी सिंह को और वी सिंह को दोस्तों। पूरा मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, सो तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करिए तो सुरेश रैना के बारे में बात की तो सुरेश रैना ने लास्ट मैच में इनका स्टैट्स के बारे में बात की तो सुरेश रैना ने लास्ट मैच 29 बॉल्स पर 18 रन्स मारे। सो सुरेश रैना ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किए थे। और पी सिंह के बारे में बात की तो पी सिंह ने लास्ट मैच 37 बॉल्स पर 67 रन्स मारे। सो पी सिंह ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किए थे, 37 बॉल पर 67 रन्स मारे। और वी सिंह के बारे में बात की तो वी सिंह ने लास्ट मैच 33 बॉल्स पर 32 रन्स मारे। सो वी सिंह ने भी लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, सो तीनों बैट्समैन ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया। ये तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, आप तीनों को 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर्स में पिक करूँगा। मैंने ऑलराउंडर्स में पिक करूँगा दोस्तों वी कुमार को दोस्तों, के हुड्डा को और आर तागी को दोस्तों। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया। तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो तीनों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स देखते हैं दोस्तों। विनोद कुमार के बारे में बात करें तो विनोद कुमार ने लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के 3 विकेट लिए थे। विनोद कुमार ने लास्ट मैच में कमाल का बॉलिंग किया था, 4 ओवर डाले थे और 3 विकेट लिए थे। और कुलदीप हुड्डा के बारे में बात करें तो कुलदीप हुड्डा ने लास्ट मैच में 6 गेंदों में 9 रन मारे हैं दोस्तों और 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। कुलदीप हुड्डा ने लास्ट मैच में बैटिंग भी अच्छी किया और बॉलिंग भी कमाल का किया, 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिया था। और आर तागी के बारे में बात की तो आर तागी को लास्ट में बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था, बॉलिंग किए थे, 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया। सो आर तागी ने भी बॉलिंग लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किए हैं।
मैंने तीन ऑलराउंडर को पिक किया था, तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दिया। तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, सब तीनों को 100% पिक कर लेना। अब बोलर्स, बोलर्स में देखा जाए तो मैं बोलर्स में पिक करूँगा, सो मैंने बोलर्स में पिक करूँगा श्रीशांत को, पिक करूँगा दोस्तों हरभजन सिंह को और आई पांडे को दोस्तों और एम सिंह को। पूरा मैंने चार बोलर्स को पिक किया, चारों बोलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलर्स, अब चारों को 100% पिक कर लेना। चारों बोलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो चारों बोलर्स का स्टैट्स देखते हैं दोस्तों। चारों बोलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलर्स है। श्रीशांत, श्रीशांत के बारे में बात करें तो श्रीशांत ने लास्ट जो 13 गेंदों में 10 रन मारे दोस्तों, 4 ओवर डाल के 0 विकेट। श्रीशांत को लास्ट में विकेट तो नहीं मिला, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। अब श्रीशांत को 100% पिक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और हरभजन सिंह के बारे में बात करें तो हरभजन सिंह ने लास्ट में 4 ओवर डाल के 0 विकेट, सो हरभजन सिंह को भी लास्ट में विकेट तो नहीं मिला लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। अब हरभजन सिंह को भी 100% पिक कर लेना। और आई पांडे के बारे में बात करें तो आई पांडे ने लास्ट में से 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था। आई पांडे भी लास्ट में से कमाल का बॉलिंग किया, 4 ओवर डाल के 1 विकेट लिया था। और एम सिंह के बारे में बात करें तो एम सिंह ने लास्ट में 4 ओवर डाल के 0 विकेट दोस्तों। पूरे मेरे चार बॉलर्स को पिक किया, चारों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया। चारों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, अब चारों को 100% पिक कर लेना। मैंने चारों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया। 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, आप इन 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं 3 ऑलराउंडर को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं 4 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया। इन 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, आप इन 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। आप कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात कर रहा जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा, मैंने कप्तान में बनाऊंगा तो सुरेश रैना को, और वाइस कप्तान में वी कुमार को। दोस्तों दोस्तों मेरे टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, मुस्तफा को दोस्तों। और बैट्समैन ने देखा जिसमें 3 बैट्समैन को पिक किया, सुरेश रैना को दोस्तों, पी सिंह को और वी सिंह को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं 3 ऑलराउंडर को पिक किया, वी कुमार, के हुड्डा और आर तागी को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं 4 बॉलर्स को पिक किया, श्रीशांत, हरभजन सिंह, आई पांडे और एम सिंह को। मैंने कप्तान में बनाया सुरेश रैना को और वाइस कप्तान में वी कुमार को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेडवर्ड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।